दिल्ली के एक जंतर मंतर पर पहलवानों का आज 14 दिन है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह और पहलवानों के बीच अब भी जुबानी जंग चल रही है। पहलवानों ने बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और उनकी गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। जानकारी के मुताबिक 21 अप्रैल को पीड़ित पहलवान दिल्ली पुलिस के सामने बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न को लेकर FIR दर्ज करवाने पहुंची थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की, जिसके 2 दिन बाद यानी कि 23 अप्रैल को पहलवानों ने जंतर मंतर पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। FIR दर्ज नहीं होने को लेकर भी पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल करवाई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवान की शिकायत पर पहली FIR में पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और दूसरी FIR में 4 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब इस FIR में पीड़ित पहलवानों ने क्या शिकायत दी, इसको लेकर कुछ जानकारी सामने आई है। इस FIR में पीड़ित पहलवानों ने फिजिकल टच, टूर्नामेंट में वार्म अप के दौरान गलत तरीके से छूने और कसकर गले लगाने जैसी बातों का जिक्र किया है। बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों के कराए FIR में 4 बड़े आरोपों की चर्चा मीडिया में चल रही है। इन 4 आरोपों के बारे में आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। पहलवानों ने बृजभूषण पर पहला जो बड़ा आरोप लगाया है वो है सांस लेने के पैटर्न के बहाने छेड़छाड़ करने का। ये आरोप 2 महिला पहलवानों ने लगाया है। पहलवानों ने शिकायत में कहा है कि बृजभूषण सिंह ने उन्हें सांस लेने के पैटर्न के बहाने उन्हें गलत तरीके से छुआ था। इस दौरान बृजभूषण सिंह ने पीड़ित पहलवानों के जांघ, कंधे, पेट और छाती को छुआ था। दूसरा बड़ा आरोप रेस्टोरेंट में छाती और पेट छूने का है। ये आरोप एक महिला पहलवान ने लगाया है। पीड़ित पहलवान का कहना है कि 2016 में टूर्नामेंट के दौरान बृजभूषण सिंह एक रेस्टोरेंट में थे। इस दौरान उन्होंने उस पीड़ित पहलवान की छाती और पेट को छुआ था, जिसके बाद महिला पहलवान बुरी तरह से घबरा गई और वो उस रात खाना भी ना खा पाई और ना ही वो उस पूरी रात सो पाई। तीसरे बड़े आरोप में एक दूसरी महिला पहलवान ने भी कुछ इसी तरीके का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला पहलवान ने अपनी शिकायत में कहा है कि साल 2019 में वो टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही थी। ये टूर्नामेंट जहाँ हो रहा था वहाँ बृजभूषण सिंह भी गया हुआ था और बृजभूषण ने किसी बहाने पीड़ित महिला पहलवान की छाती और पेट पर हाथ लगाकर उनका उत्पीड़न किया था। चौथे सबसे बड़े आरोप में 2 महिला पहलवानों ने हामी भरी है, जिसमें उन्होंने कसकर गले लगाने का जिक्र किया है। पीड़ित पहलवानों ने शिकायत में कहा है कि साल 2018 में सांसद ने उन्हें काफी देर तक कसकर गले लगाए रखा। इस दौरान बृजभूषण सिंह के हाथ पीड़ित महिला पहलवानों के छाती के करीब थे, इससे वो असहज हो गई, जिस वजह से उन्होंने अपने आप को बृजभूषण सिंह के चंगुल से छुड़ाया। इन 4 बड़े आरोपों के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पहलवानों का ये धरना अब और कड़ा रुख अपना सकता है और साथ ही इन्हें समर्थन देने वालों की संख्या भी धीरे धीरे तेजी से बढ़ सकती है। बहरहाल जिस तरह से इन 4 बड़े आरोपों का खुलासा हुआ है, ऐसे में भी देखना बनता है कि बृजभूषण सिंह का इन 4 आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया आई है। के लिए आए ताकि मेरा नाम ना पता लगे, मोटा सा।